हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मतलब कि चाहे पेट्रोल इंजन हो, गैसोलीन कह लो, चाहे डीजल इंजन हो, वहाँ से कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। वो किस तरह से एटमॉस्फेयर तक पहुँचती हैं, वही मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम रहता है, इसके कई पार्ट्स रहते हैं, कई कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एक मैनिफोल्ड वाला सेक्शन आता है, फिर इसी एग्जॉस्ट सिस्टम में हमारे पास ऑक्सीजन सेंसर रहता है, फिर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्टर रहता है, मफलर रहता है और पाइप रहती है। इन सब का क्या काम होता है, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर की, क्योंकि जो ऑक्सीजन सेंसर है इसका इतना मेन रोल नहीं है एग्जॉस्ट सिस्टम में, बट फिर भी वहाँ पर लगा हुआ तो क्या काम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन सेंसर हमारे पास जो पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है वहाँ पर कन्वर्टर के साइड में लगा रहता है, जो स्टार्टिंग में और एंड में लगा होता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये चेक करता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं इंजन से बाहर की तरफ, उनमें कितना ऑक्सीजन का कंटेंट है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्रॉपर कम्बशन करना है, तो प्रॉपर कम्बशन के लिए एक प्रॉपर रेशो चाहिए एयर और फ्यूल की, यानी कि एयर और फ्यूल का एक प्रॉपर मिक्सचर चाहिए। तो ये ऑक्सीजन सेंसर चेक करता है कि जो एग्जॉस्ट में गैसेज निकल रही हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल देता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट फिर उसी के अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजेक्ट करता है ताकि प्रॉपर रेशो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये काम था ऑक्सीजन सेंसर का। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाकी के कंपोनेंट्स की। जैसे स्टार्टिंग में इंजन मैनिफोल्ड है, इसके बारे में आपको पता ही है कि जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इसी मैनिफोल्ड से होते हुए आगे की तरफ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं वो है हमारे पास कन्वर्टर। इसका नाम कन्वर्टर क्यों है, कन्वर्टर नाम इसका इसीलिए है क्योंकि ये गैसेस को कन्वर्ट कर रहा है। जो गैसेस इंजन से बाहर आ रही हैं वो नॉन टॉक्सिक गैसेज रहती हैं, हार्मफुल गैसेज रहती हैं इन्वायरमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। क्योंकि जो हमारे कम्बशन का प्रोसेस रहता है सिलेंडर के अंदर, तो अब उसमें क्या होता है, प्रॉपर वे में कम्बशन नहीं होता। प्रॉपर वे में कम्बशन नहीं होता तो होता क्या है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स निकल जाते हैं बाहर जो अच्छी तरह से बर्न नहीं होते, यानी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स बाहर आते हैं वहाँ से। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस बाहर आती है, NOx के एमिशंस बाहर आते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल गैसेज हैं जो डायरेक्टली अगर इनको एटमॉस्फेयर में भेज देंगे तो एयर पोल्यूशन हो सकता है वहाँ पर, कई तरह के इफेक्ट्स पड़ेंगे उसके। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या रहता है, जो नॉइस लेवल रहता है वो ज़्यादा रहता है कम्बशन के टाइम पर। और अगर वहीं से जहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व है वहीं से डायरेक्ट गैसेज को एटमॉस्फेयर में भेज देंगे तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स भी होंगी। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, कन्वर्टर क्या कर रहा है, जो भी गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको, जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको नॉन टॉक्सिक गैसेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसका जो एक्चुअल नाम रहता है वो रहता है कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ये करता क्या है, जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है उसकी स्पीड बढ़ा देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है और ख़ुद कंज्यूम नहीं होता वहाँ पर। मतलब ये बार बार रिएक्ट करेगा, बार बार यूज़ होता जाएगा, बट खुद ही कंज्यूम नहीं होगा, खुद वेस्ट नहीं होगा, रिएक्शन को हर बार बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है कैटलिस्ट का काम। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कन्वर्टर में, वो हम तीन तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एक प्लेटिनम, पैलेडियम और रोहिडियम, ये हम यूज़ करते हैं। ये होते भी महंगे हैं, कॉस्टली रहते हैं, और जो जितना ये डाला जाता है शायद 4 से 5 ग्राम तक का रहता है, जो हम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं 4 से 5 ग्राम इतना ही डाला जाता है। जब भी एग्जॉस्ट सिस्टम आपने देखा होगा कभी ख़राब हो जाता है, जब उसको ठीक मतलब ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो वहाँ से इन कैटलिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि कॉस्टली रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट तीन यूज़ किए गए। अब ये काम कैसे करते हैं, देखो हमें पता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं उनमें हार्मफुल गैसेस हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एमिशंस, सबसे पहला जो कन्वर्टर है वहाँ पे हमारे पास किसका कैटलिस्ट रहता है, वहाँ पे प्लैटिनम और साथ ही साथ रोहिडियम का हमारे पास कैटलिस्ट रहता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन, बट रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पे होता है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो एमिशंस हैं, NOx जो एमिशंस हैं, यहाँ पे पहले उनकी रिएक्शन होती है। होता क्या है, जो NOx के एमिशन्स हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड है, तो यहाँ पर होता क्या है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, नाइट्रोजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ये कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे प्लैटिनम और रोहिडियम का
कैटलिस्ट होगा, जिस भी चैम्बर में वहाँ पे ये काम होगा, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन हुई क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एन और ओ कंबाइन थे, ऑक्सीजन अलग नाइट्रोजन अलग। अब नाइट्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, वो हार्मफुल गैसेस तो है नहीं, जो हार्मफुल था वो था इनका कम्बिनेशन, तो वो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब बाकी गैसेज बच गई, जैसे हाइड्रोकार्बन्स जो सही से बर्न नहीं हुए होते, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहती है, ठीक है। अब ये सारी गैसेज जो है वो सेकंड चैम्बर में जाती हैं। सेकंड चैम्बर में हमारे पास रहता है प्लैटिनम और पैलेडियम का कैटलिस्ट। अब ये क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन्स थे और जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड थी, यहाँ पे रिएक्शन होती है, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए हैं वहाँ से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो कंबाइन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और मिलता क्या है, वाटर के वेपर्स, H2O और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो हार्मफुल है नहीं। तो अब हुआ क्या, बेसिकली इस कन्वर्टर में जितनी भी गैसेज थी वो सारी कन्वर्ट हो गई हैं नॉन टॉक्सिक गैसेज में, तो कन्वर्टर ने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर ये जो कन्वर्टर हम आज यूज़ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं थ्री वे कन्वर्टर। थ्री वे कन्वर्टर क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, तीन तरह की गैसेज को कन्वर्ट कर रहा है। हमने हाइड्रोकार्बन की बात की, हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात की, यानी कि NOx के बारे में बात की, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात की। इन तीन चीज़ों को ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब नॉन टॉक्सिक गैसेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं थ्री वे कन्वर्टर। जो इससे पहले कन्वर्टर यूज़ होते थे उन्हें हम कहते थे टू वे कन्वर्टर, वो दो ही तरह के गैसेज को कन्वर्ट करते थे, उसमें NOx के एमिशंस को नहीं करते थे, बाकी हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो वो कन्वर्टर चले 1981 तक, 1981 के बाद ये आ गए थ्री वे कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें NOx के एमिशंस की बात की, हमने लास्ट की वीडियो में EGR के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो एग्जॉस्ट गैसेज जो मतलब NOx के एमिशंस होते हैं वो EGR के थ्रू भी थोड़े थोड़े कम कर दिए जाते हैं, तो लेकिन बट फिर भी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ NOx के एमिशंस वहाँ पर भी रह जाते हैं, फिर भी एग्जॉस्ट सिस्टम में आते हैं, जो थोड़े बहुत NOx के एमिशंस रह जाते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको कैटलिटिक कन्वर्टर का काम समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं मफलर सेक्शन की तरफ। कैटलिटिक कन्वर्टर में क्या होगा, सारी गैसेज तो होगी कन्वर्ट हम नॉन टॉक्सिक गैसेज में, अब मेन जो प्रॉब्लम रही वो रही आवाज़ की, कि नॉइस लेवल ज़्यादा रहता है उसको भी कम करना होता है। फिर वो सारी गैसेज जा रही हैं अब मफलर सेक्शन में, मफलर को साइलेंसर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मेरा क्वेश्चन था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मे भी आपको भी हो सकता है इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा ये मानना था कि मैं ये सोचता था कि यार जो मफलर है वो पहले होना चाहिए और कैटलिटिक कन्वर्टर बाद में होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मफलर का काम है आवाज़ को कम करना, ये आवाज़ कम करता है, तो अगर हम इसको लास्ट में लगा रहे हैं तो वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अगर हम इसको एग्जॉस्ट सिस्टम के स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, मतलब इंजन के साथ इसको लगा देंगे, कैटलिटिक कन्वर्टर बाद में लगाएंगे, तो होगा क्या कि इसने अपना काम करना ही है, आवाज़ को कम कर देना ही है, उसके बाद भी अगर कुछ आवाज़ बच जाती है, कुछ लेवल बचता है आवाज़ का, तो वो जब ट्रैवल करेगा आगे का डिस्टेंस, मे बी चांसेस हैं कि वहाँ पे आवाज़ और कम हो जाए। तो मेरा ये मानना था कि मफलर जो है पहले लगना चाहिए, बट इसका रीज़न मुझे पता लगा, वो ये पता लगा कि हमने बात की अभी कैटलिटिक कन्वर्टर की, वहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को प्रॉपर वे में होने के लिए एक हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर तभी मिलेगा जब वो सारी गैसेस जो हैं, जो कैटलिटिक कन्वर्टर हमारा इंजन के बिल्कुल पास में लगा होगा। ये रीज़न है कि कैटलिटिक कन्वर्टर इंजन के साथ में लगा रहता है, पास में लगा रहता है, और मफलर दूर की तरफ लगा रहता है, क्योंकि जितने पास रहेगा कैटलिटिक कन्वर्टर उतना ज़्यादा वहाँ पर उसको टेम्परेचर मिलेगा, और उतने ही बेटर वे में वहाँ पर कम्बशन का जो भी रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं वो होंगी, ठीक है। अब ये सब हो गया, वो सारी गैसेज आई मफलर में, जिसे हम साइलेंसर भी कहते हैं। मफलर में भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, अलग अलग बॉक्सेस रहते हैं, डब्बे से रहते हैं। जो पहले मफलर आते थे उनमें क्या था, एक कुछ पाइप्स थी बीच में, चैम्बर तो थे ही थे, बीच में कुछ पाइप्स भी रहते थे, उन पाइप्स में क्या था, होल्स रहते थे, तो जो एग्जॉस्ट गैसेज जो आ रही हैं वो उन पाइप से होकर निकलती है, वहाँ पे सुराख हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, वहाँ से गैसेज बाहर निकलती हैं, मफलर की जो वॉल्स हैं उसे स्ट्राइक करती है, और वहाँ पर जो अपनी एनर्जी वगैरह ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, फ्रिक्शन वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, आवाज़ कम होती है। इसी तरह से तीन चैम्बर में ये काम होता है, रेजोनेटर लगा था वहाँ पे भी ये काम था, मेन क्या था, वो वहाँ से फ्रिक्शन वाला फंडा था, सारी आवाज़ कम हो रही थी और बाहर जा रही थी। आज की डेट में मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मफलर में कुछ फाइबर का कुछ रहता है, मुझे नाम नहीं याद है उसका, आपको बता दूंगा, वो फाइबर की कोई चीज़ रहती है, फाइबर पैकिंग कहते हैं शायद उसे, तो वो लगी रहती है मफलर के बीच में, वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पाइप्स तो हैं पहले, जो पहले वाला मफलर था वो तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होगा, फाइबर की पैकिंग भी आ गई, जो और साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो और एफिशिएंट वे में मफलर काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ से साउंड भी कम हो गई, जो गैसेस थी हार्मफुल वो भी नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो बेसिकली था क्या, अगर ये सब ना हो तो एयर पोल्यूशन होता, नॉइज़ पोल्यूशन और इस तरह की कई सारे प्रॉब्लम्स रहती, तो उनको दूर करने के लिए पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और एंड में रहती है पाइप छोटी, जैसे टेल पाइप भी कहा जाता है, वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज जाती हैं एटमोसफियर की तरफ। अब इनका ध्यान रखा जाता है हमेशा, जैसे हम भारत स्टेज वन भारत स्टेज टू की बात करते हैं, कि स्टेजेस के अलग अलग बात करते हैं, अभी सिक्स भी चल रहा है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है कि कितने एमिशंस निकल रहे हैं बाहर एग्जॉस्ट से, किस तरह का उसमें क्या क्या मैटर है, क्या क्या चीज़ें बाहर निकल रही हैं, कितने परसेंट में नाइट्रोजन है, कितने परसेंट में CO के एमिशंस हैं, वो सब चेक किया जाता है। उसके कारण उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जो एमिशंस के स्टैंडर्ड हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।